नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बेटी की इज्जत बचाने के लिए महिला ने कर दी पति की हत्या। पंजाब से बिहार भाग रही आरोपित को कानपुर में दबोचा। नाबालिग बेटी की इज्जत पर पति की ही नीयत खराब होने पर पत्नी ने उसका कत्ल कर इसके बाद बेटी समेत भाग निकली। बिहार के बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र की घटना में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आरपी ने सोमवार को महिला व बेटी को ट्रेन से पकड़ा। घटना पंजाब के मोहाली के सेक्टर नंबर 78 स्थित फ्लैट में 10 जून को हुई थी। महिला ने बताया अब बिहार स्थित अपने गांव जा रही थी। जीआरपी थाना प्रभारी आर के द्विवेदी के अनुसार एक सप्ताह पहले अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बेटी पर ही बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति को उसकी पत्नी ने मारा था। इसके बाद से वह फरार थी। महिला अपनी बेटी के साथ किसी ट्रेन से सेंट्रल स्टेशन पहुंची। इसी बीच बिहार पुलिस की सूचना पर उसे दबोच लिया गया। बेटी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया है। कुछ दिन तक पति व पत्नी बच्चों के साथ चंडीगढ़ में भी रहे। महिला से पूरी घटना पूछी जा रही है। पुलिस के आने पर उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।